हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ रेस्टोरेंट स्टाइल पालक पनीर की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसके लिए हमें चाहिए फ्रेशली पालक, जिसको मैंने धो के अच्छे से साफ़ कर लिया है। इसको मैं प्रेशर कुक करूँगी। इसके लिए मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है। इसमें धो के रखा हुआ जो पालक, उसको मैं डाल दूँगी। इसमें मैं डालूंगी 10 से 12 काजू या कैशू नट। अब मैं इसमें डालूंगी जिंजर या अदरक का एक का टुकड़ा 1 इंच, 2 हरी मिर्च, तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें मैं डालूंगी 1 टीस्पून के करीब सॉल्ट, 1 टीस्पून के करीब शुगर। शुगर इसके ग्रीन कलर को इंटैक्ट रखेगा, इसीलिए मैंने इसमें शुगर डाला है। अब मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सा पानी और इसको मैं प्रेशर कुक करूंगी। इसको मैं एक विसल तक प्रेशर कुक करूंगी, उससे ज़्यादा नहीं, अदरवाइज हमारा पालक जो है वो गल जाएगा। इसलिए ध्यान रहे, हम इसे सिर्फ एक सीटी तक ही इसे पकाएंगे। इसे हम एक सीटी तक ही पकाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं। देखिए हमारा वो पालक पक चुका है, इसको मैंने ठंडा करके निकाल के रखा हुआ है। अब मैं एक मिक्सचर जार लूँगी, जिसमें मैं इसका पेस्ट तैयार करूँगी। मैं इसका पेस्ट तैयार कर लिया है, मैंने इसका अच्छे से फाइनली पेस्ट कर लिया है। इसके लिए मुझे चाहिए टमाटो चॉप किया हुआ, अनियन चॉप किया हुआ, 3 से 4 गार्लिक चॉप किया हुआ, और पनीर मैंने 250 ग्राम लिया है, क्यूब्स में काट के रखा है। अब मैं कढ़ाई लूँगी, जिसको मैं अच्छे से गर्म करूँगी। अब मैं इसमें तेल डालूँगी। अब मैं उसमें डालूँगी ज़ीरा। जैसे ही ज़ीरा हल्का सा फ्राई हो जाए, उसमें मैं डालूँगी चॉप किया हुआ गार्लिक या लहसुन। देखिए हमारा गार्लिक अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी चॉप किया हुआ अनियन, इसको मैं अच्छे से फ्राई होने दूँगी। इसको अच्छे से चलाऊंगी। देखिए हमारा अनियन अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी चॉप किया हुआ टोमेटोस, इसको भी मैं अच्छे से मिक्स करके फ्राई करूंगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए हमारा अनियन और टोमेटो बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। इसमें मैं डालूंगी सॉल्ट। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अनुसार डालें। 1 टीस्पून के करीब हल्दी, और इसको मैं अच्छे से मिक्स करूंगी। अब मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून के करीब धनिया पाउडर, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें जो ग्राइंड किया हुआ पालक था उसको डालूंगी, इसको अच्छे से निकाल के डालेंगे, और इसको थोड़े देर के लिए 1 से 2 मिनट के लिए मैं इसको फ्राई करूंगी। पालक को क्योंकि मैंने पहले से ही बॉईल किया हुआ है तो उसका कच्चापन ऑलरेडी निकल चुका है, फिर भी मैं इसे थोड़े देर के लिए फ्राई करूंगी। अब मैं डालूंगी 1 टीस्पून के करीब इसमें रेड चिली पाउडर। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं अगर आप तीखा ज़्यादा नहीं खाते हो तो। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा पानी और इसको एक अच्छा सा बॉईल आने दूंगी। इसको अच्छे से बस चला दूंगी और इसको अच्छे से थोड़ा सा बॉईल होने दूंगी। ये रेसिपी बहुत ही अच्छी और टेस्टी बनती है। देखिए हमारा इसमें बॉईल आ चुका है। अब मैं इसमें क्यूब्स में काट के रखा हुआ जो पनीर है मैं वो डाल दूँ। मैंने पनीर को फ्राई नहीं किया है। अगर आपको ऐसा प्लेन पनीर पसंद नहीं, कच्चा पनीर पसंद नहीं है, तो आप इसको हल्का सा फ्राई करके भी डाल सकते हैं, पर मुझे ऐसा ही पसंद है इसलिए मैंने इसको ऐसे ही डाला है। आप चाहे तो हल्का सा फ्राई करके डाल सकते हैं। ये रेसिपी बहुत टेस्टी और यम्मी लगती है। इसे गरम गरम रोटियों के साथ, पराठों के साथ आप सर्व करें। अब मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून के करीब गरम मसाला पाउडर।
गरम मसाला पाउडर हम एकदम एंड में डालेंगे, और उसके बाद 1 से 2 मिनट इसको अच्छे से फ्राई करके फिर इसको हम सर्व कर देंगे। देखिए हमारा पालक पनीर बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है। इसको हल्का सा 1 या 2 मिनट पकाऊंगी मैं। देखिए अच्छे से हो चुका है, मैं गैस का फ्लेम बंद कर दूंगी। देखिए मैंने सर्व कर, अगर आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।